हेलो गाइस, कम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारा भाई फिर से आ गया एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि क्या घटना घटी होगी मेरे दोस्त के साथ, क्योंकि उसने आईफोन 11 लिया था चोर बाजार से। जी हाँ, चोर बाजार से आईफोन 11 लिया था, जो कि 12,000 का पड़ा था। उसके साथ ना बिल लिया उसने, ना डिब्बा लिया। बिल डिब्बा कुछ नहीं लिया। दो दिन बाद उसके पास पुलिस की कॉल आती है। जी हाँ, पुलिस की कॉल आती है, पुलिस अरेस्ट करती है। क्यों अरेस्ट करती है वो पूरी वीडियो में दे रखा है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो में पता चलेगा कि क्या हुआ मेरे दोस्त के साथ, क्या घटना घटी है मेरे दोस्त के साथ। बाकी पूरी वीडियो देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंडीशन देख लो, काफ़ी ज़्यादा सही है इसकी। स्क्रैचेस तो मतलब इस पर एक भी है ही नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मैंने परचेज़ किया है और इस तरह की कंडीशन है। स्क्रैच नहीं है और ये साइड में इसके वॉल्यूम बटन है और नीचे स्पीकर है और कंडीशन इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब सही रेट में सही चीज़ मिल गई, मैं ये कहूँगा आपसे। तो कंडीशन इसकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो वैसे तो सभी चीज़ें इसके अंदर सही है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो कि सही नहीं लगी मुझे, जो परचेज़ किया उस वजह से। तो सबसे पहले इसका लॉक खोल लेते हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रू टोन देखो, इसके अंदर बिल्कुल ऑन है, वर्किंग मतलब चल रही है। और बाकी ब्राइटनेस की, फुल ब्राइटनेस पे देखो, और यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइट है, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना कहीं पे भी जाके, धूप हो जाए जो कहीं पे भी, आप इजीली यहाँ पे देख पाएंगे कुछ भी। और इसको धूप में भी आप आराम से चला सकते हैं। मतलब फ़ोन की बात करूँ तो ओरिजिनल है, बिल्कुल क्लोन नहीं है ये। और सेटिंग में जाके इसके अंदर कुछ मैं आपको दिखाऊँगा, सबसे पहले क्या इसकी बैटरी हेल्थ है और स्टोरेज क्या है वो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ आपको। और बैटरी हेल्थ पर गया और 86 इसके अंदर बैटरी हेल्थ है। तो 88 या 80 पर याद नहीं, इतने के आसपास है। तो फिलहाल 86 इसके अंदर हेल्थ है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक पहली प्रॉब्लम है वो है बैटरी की, यानी बैटरी भाई इसकी इतनी सही नहीं चलती। जो भी है काम चल जाता है, सही चलती है। और बाकी क्योंकि शायद इस वजह से बैटरी सही नहीं चलती, क्योंकि जो चार्जर यूज़ करता हूँ मैं वो लोकल चार्जर है, इस वजह से इसकी बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो कौन सा चार्जर मुझे यूज़ करना चाहिए भाई, वो तो आई थिंक मतलब ओरिजिनली करना चाहिए, लेकिन उसको भी कर लेंगे परचेज। फिलहाल मोबाइल सस्ते में मिल गया था तो मैंने सोचा ले लिया जाए। और भी इसके अंदर कमियाँ हैं, और प्लस कुछ आपको यहाँ पर सावधानी भी देखनी होगी, तो वो बिल्कुल आप देखते रहना वीडियो। और स्टोरेज की बात करूँ तो ये 128 में है, और स्टोरेज मैं आपको दिखा देता हूँ जाकर। तो फिलहाल स्टोरेज की बात करूँ तो देखो कैपेसिटी इसकी 128 GB में है ये, और मोबाइल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बस कुछ ही कमियाँ, एक तो बैटरी की, और बस बैटरी की दिक्कत है, और बाकी चीज़ें तो इसके अंदर सही हैं, सब सही है। और कैमरा क्वालिटी इसकी सब मतलब बेहतरीन है, जैसा आईफोन में होता भाई, वही आईफोन है तो वही सब चीज़ें, और कुछ कमी नहीं है। और फिलहाल मैं चाहूँगा कि देखो, अगर आप चोर बाजार से फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो भाई रिस्क है, लेना ही मत, लेना चाहिए भी नहीं, क्योंकि भाई चोरी के फ़ोन होते हैं, क्या फ़ायदा चला के चोरी के फ़ोन, और रिस्क भी होता है ना इसके अंदर, तो लेना तो नहीं चाहिए। और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज़ करो चोर बाजार से फ़ोन। तो अब बारी इसके साउंड टेस्ट की, तो आप साउंड देख लीजिए एक बार कैसे हैं इसके। तो फिलहाल अभी मैंने इसका साउंड टेस्ट करके दिखाया आपको, इसके अंदर म्यूज़िक बजाया तो आई होप आपको सही लगा होगा। वैसे इस पे स्पीकर में भी कोई दिक्कत नहीं है, फेस साइड भी वर्किंग है, और यहाँ पर ट्रू टोन देखो बिल्कुल वर्क करी सही से, कोई भी दिक्कत मतलब इसके अंदर ही नहीं। बस एक दिक्कत है वो है बैटरी की, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो में, और बाकी सब चीज़ सही है। और बात करते हैं इसके साथ मुझे मिला क्या क्या था। वो एक बॉक्स मिला था इसके साथ, जो कि इस फ़ोन का था ही नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मोबाइल काफ़ी ज़्यादा सही वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे अभी तक, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये रहा इसका बॉक्स, जो कि आईफोन 11 का है, लेकिन इसका तो नहीं मिल गया, तो अपने को क्या ही चाहिए था। तो फिलहाल ये फ्री में ही मिला है बॉक्स, फ्री कैश के साथ ही मिला, कोई से भी उसने उठा के दे दिया, क्योंकि मैंने मांगा तो उससे। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिला था, चार्जर भी यहाँ तक कि मुझे बाहर से लेना पड़ा, और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, बॉक्स था और ये फ़ोन था, बस यही चीज़ मिली। और सही रही, इतने कम रेट में अगर ये चीज़ मिली तो भाई वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात रही चार्जर की, वो तो हम बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं, और वैसे भी नए फ़ोन के साथ भी कौन सा चार्जर देते हैं आईफोन वाले।